हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई ट्यूटोरियल्स। टुडे वी विल डू योर फिजिक्स चैप्टर लाइट, इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टू फिनोमिनास, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? यू हैव स्टडीड इन एट्थ क्लास ऑल्सो। इन एट्थ क्लास यू स्टडी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, here I am recalling your 8th class. You can write in your notebooks also. This is a reflecting surface, okay? And one thing very important, I am not explaining here only plane mirror. Laws of reflection, remember, listen carefully, laws of reflection, they are applicable to all type of reflecting surfaces, whether it is a plane mirror or spherical mirrors like concave or convex. Now what is this? This is the striking ray on the surface, which is known as incident ray. What is incident ray? The striking ray of light on the reflecting surface is known as incident ray. When this ray reflects from the surface, it is known as reflected ray. Okay, now here, this is the point of intersection. Look here, this is the point of intersection. I am just drawing a line which is 90 degree to the surface and between the incident ray and reflected ray, which is known as normal ray. जिसकी 8th क्लास क्लियर नहीं है, यहां से क्लियर हो जाएगी. Now what is this? Incident ray striking on the surface of the reflected, whether it is plane or spherical mirror. Then incident ray is reflected, which is known as reflected ray. And this one is known as normal ray. Now what is your first question in class 10th? State the laws of reflection. बेटा मेरे साथ अगर लिखते रहोगे तो समझ भी आता रहेगा. वीडियो को सुनो, साथ में आप अपने नोट्स भी बनाओ. स्क्रीनशॉट लेने से कभी साइंस नहीं आती. Always remember that. State the laws of reflection. Question mark, full stop, as you wish. Answer is, from this diagram we come to know that the incident ray reflected ray and the normal ray all lies on the same plane. Got it? I hope you all got this. Second point. Now look here again. Look here on the diagram. This is the angle made by incident ray to the normal. That is known as angle of incidence. And this is the angle of reflection between normal and reflected ray. Now, angle of incident is always equal to angle of reflection. Angle of
इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बच्चे, जो ये इंसिडेंट रे बना रही है नॉर्मल के साथ, ठीक है, जिसको मैंने ये डिनोट किया है यहाँ पे, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो ये रिफ्लेक्टेड रे किसके साथ बना रही है, नॉर्मल रे के साथ। ये आपके दो लॉज हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। हम किसी भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं ले सकते कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, अगर वो टेंथ में मेंशन है एनसीईआरटी की बुक में तो आपके माइंड पे उसका माइंड मैप होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वॉट, ये पूछा जाएगा आपसे। अगर ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपकी एनसीईआरटी को अगर फॉलो करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर को पढ़ने से पहले एनसीईआरटी हमें प्लेन मिरर के बारे में कुछ बता रही है, तो इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन योर बुक तो आपको ये रीज़न अदर्शन के रूप में भी आ सकता है, 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो लिखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। हाँ जी, फटाफट से आपको अपनी 8th क्लास याद आ जाए, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, जस्ट राइट डाउन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाइए अपने घर में, अभी प्रूफ मिल जाएगा, जितनी आपकी हाइट है उतनी ही हाइट की आपको इमेज मिलेगी। ये प्लेन मिरर की पहली प्रॉपर्टी है इमेज की। सेकंड वन, जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर is equal to the distance of image from the mirror। अब ये इमेज आपकी प्लेन मिरर में बिहाइंड द मिरर बन रही है, और जितना डिस्टेंस है, मान लीजिए इसको ऐसे समझिए, ये है आपका प्लेन मिरर, ठीक है, और यहाँ आप खड़े हो, क्या है ये ऑब्जेक्ट, इतनी दूरी है, सपोज 10 मीटर की दूरी है, कहाँ, किसकी, ऑब्जेक्ट की, मिरर से, राइट। तो आपका जो इमेज फॉर्म होगी वो भी कितनी दूरी पे होगी, 10 मीटर, दिस इज़ योर इमेज, वेरी सिंपल। इसके बेस पर आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है 1 और 2 मार्क्स का। आपको डिस्टेंस दिया होगा, किसी ट्रक का ऑब्जेक्ट कोई भी बना सकते हैं, ह्यूमन बीइंग को बना सकते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग को बना सकते हैं, उसका आपको डिस्टेंस दिया होगा प्लेन मिरर से, आपको फाइंड करना होगा डिस्टेंस इमेज का। तो वेरी सिंपल, ये अगर आपके दिमाग में लॉजिक क्लियर है, आपको प्रॉपर्टी पता है इमेज की, प्लेन मिरर की, तो आप सीधा लिखोगे कि डिस्टेंस भी कितना होगा, 10 मीटर। हाँ, एक चीज़ और मैं बोल दूँ, कई बार क्वेश्चन ट्विस्ट करके आया था, ध्यान से सुनोगे मेरी बात, उसमें बताया गया होता है कि ऑब्जेक्ट मिरर से 10 मीटर दूर है, तो इमेज का डिस्टेंस बताइए फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे, जब मैं कह रही हूँ कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं,
तो अगर इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट पूछा है तो डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मिरर से आप 10 मीटर अवे हो, ऑब्जेक्ट 10 मीटर अवे है, तो जो इमेज बन रही है वो आपसे कितनी दूर हो गई, 20 मीटर। कितनी होगी, 20 मीटर। वहाँ पे अगर आप 10 मीटर लिख दोगे ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या पूछा है, आपको ये पूछा है कि आप इमेज का डिस्टेंस बताइए ऑब्जेक्ट से, अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर मिरर से दूर है तो ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 मीटर। और अगर आप फ्रॉम द मिरर ही पूछा है तो आप वहाँ पर इक्वल डिस्टेंस लिखोगे। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा, यहाँ पे मैं एक आपको और प्रॉपर्टीज की बता दूँ। बाइलेटरल सिमिट्री होती है, आपका जो LHS है वो प्लेन मिरर में क्या दिखाई देता है, RHS। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ना ही लिख रही हूँ, बिकॉज आई थिंक इट इज़ नॉट मैंशनड इन योर 10th क्लास NCERT बुक। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू डू द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज जस्ट देयर, सो आई हैव फ्रेम द क्वेश्चन। लेटरली इन्वर्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप जस्ट इतना लिख लो, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। क्या मतलब है इसका, ये भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगी। सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर, हाँ, ये आपका कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, तो आपको ये इस तरफ पे कौन सा दिखाई देगा, लेफ्ट। ओके, राइट साइड आपकी लेफ्ट दिखाई देगी और लेफ्ट आपको राइट दिखाई देगी, करके देख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर इसका फेस इस तरफ है तो इसका फेस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये राइट अगर रेज करेगा अपना हाथ यूं, तो ये आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर ये वाली साइड इसकी लेफ्ट है, सपोज दिस इज लेफ्ट, तो ये साइड कौन सी हो जाएगी, राइट। और अगर ये राइट साइड है तो ये इट बिकम्स लेफ्ट इन द मिरर, इट मीन्स द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। ओके, और हमेशा जो इमेज है वो कैसी बनती है, फोर्थ पॉइंट भी लिख लीजिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, द इमेज फॉर्म्ड, आपको मैं पूछने का टाइम दूंगी, द इमेज फॉर्म्ड, अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल आंसर इट लेटर ऑन। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड सॉरी इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर स्फेरिकल मिरर्स। ओके, द कर्व सरफेस ऑफ शाइनी स्पून, आप सबके घरों में स्पून्स अवेलेबल हैं, फटाफट से उठा लीजिए अपने हाथ में, जो कर्व्ड सरफेस है अंदर वाली जो जगह है उसकी, दैट इज नोन एज कनकेव वन। केव से याद रखेंगे, केव का मतलब है गुफा, ठीक है। जैसे ये मैं अपना हाथ दिखाती हूँ, तो ये जो अंदर वाली साइड है ये क्या शो कर रही है, केव, तो ये कौन सा मिरर हुआ, कनकेव। अगर यहाँ पे इंसिडेंट रे इधर से स्ट्राइक करती है अंदर की तरफ और कन्वर्ज होती है अंदर की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर। और अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाली साइड है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट रे पड़ रही है और डाइवर्ज हो रही है, क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज नहीं, आई एम यूजिंग द वर्ड डाइवर्ज। कन्वर्ज होता है इनवर्ड, अंदर की तरफ मुड़ना, और डाइवर्ज होता है बाहर की तरफ, तो ऐसे मिरर को हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, ठीक है। दोनों ही स्फेरिकल हैं, दोनों ही स्फेरिकल मिरर्स हैं, लेकिन उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स और कर्व्ड आउटवर्ड्स होने के कारण
उनके सारे ही जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट। तो पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल। राइट डाउन, डिफाइन स्फेरिकल मिरर्स, डिफाइन स्फेरिकल मिरर्स, राइट डाउन आंसर। मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल्स, आर स्फेरिकल नोन एज स्फेरिकल मिरर्स। अब प्लेन मिरर में तो ऐसा नहीं था ना, सीधा प्लेन था इसलिए प्लेन मिरर बोलते थे। अब जो मिरर आया आपके पास उसमें रिफ्लेक्टिंग, जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, जहाँ पे लाइट स्ट्राइक कर रही है इंसिडेंट, जहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेसेस। अगर वो स्फेरिकल हैं तो ऐसे मिरर्स को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, राइट। अब ये टू टाइप्स के होते हैं तो अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका, डिफाइन कनकेव मिरर। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, इसीलिए 10th क्लास में पहुंच गए हो, फास्ट बनाओ नोट्स। डिफाइन कनकेव मिरर, तो यहाँ पर आपका जो डेफिनेशन है, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। स्फेरिकल मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ कर्व्ड है, इज नोन एज कनकेव मिरर। देखो बेटा मैं यहाँ डायग्राम भी बना के शो कर रही हूँ, ये छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने ऐसे, यहाँ मैं ये जो बाहर वाली साइड है इसको पॉलिश्ड शो कर रही हूँ, और जो कर्व्ड इनवर्ड्स है ये देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या इंसिडेंट स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ऐसे मिरर्स को हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर्स। कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जिंग मिरर्स हैं। अगर एग्जाम में आ जाए ना ड्रॉ कन्वर्जिंग मिरर, तो वहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना। कन्वर्जिंग का मतलब है कनकेव मिरर, कर्व्ड इनवर्ड्स, कर्व्ड इनवर्ड्स। देखो अंदर की तरफ हो रही है ना रिफ्लेक्शन, बाहर की तरफ क्या है ये पॉलिश्ड, क्या है पॉलिश्ड। नेक्स्ट वन, डिफाइन कन्वेक्स मिरर, डिफाइन। बेटा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपका इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट अपलोड किया है और बहुत अच्छे आपने उसमें कमेंट्स भेजे हैं, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। इसी तरह से आपको फायर एंड आइस और नेक्स्ट चैप्टर्स मिलते जाएंगे। आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स, दे आर द मोटिवेशनल लाइंस फॉर मी, थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स। डिफाइन कन्वेक्स मिरर, यस वेरी सिंपल, सेम राइट डाउन, स्फेरिकल मिरर्स। कैसे स्फेरिकल मिरर हैं बच्चे ये, हुज, थक गए हो क्या लिख नहीं रहे, स्फेरिकल मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक बार नोट्स तैयार हो जाएं आपके तो आप फाइनल्स तक यूज कर सकते हो उनको। स्फेरिकल मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, कर्व्ड तो है ही है, कैसा, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स दे आर नोन एज कन्वेक्स मिरर्स। आपकी गाड़ियों के साइड मिरर जो लगे हुए हैं, ड्राइविंग सीट के साथ में साइड मिरर लगा हुआ है, दूसरी सीट के साथ में लगा हुआ है,
तो वो कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। और कैसा कन्वेक्स? कोई पूछे आपसे कि क्या डिफरेंस है कनकेव और कन्वेक्स में, तो एक बहुत अच्छा वाला डिफरेंस जो उनकी डेफिनेशन भी बताता है कि कनकेव मिरर जो हैं वो कर्व्ड हैं, कन्वेक्स भी कर्व्ड हैं, लेकिन कनकेव में रिफ्लेक्टिंग जो आपका सरफेस है जहाँ रिफ्लेक्शन होनी है दैट इज़ कर्व्ड इनवर्ड्स, और जो आपका ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे कन्वेक्स मिरर, देखिए अब मैंने इसकी अंदर वाली साइड को पॉलिश्ड कर दिया है और जो इसकी बाहर वाली साइड है यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है और ये डाइवर्ज होगी। क्या होगी? डाइवर्ज। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो दैट कि कनकेव मिरर दे आर द कन्वर्जिंग, मैं यहाँ लिख रही हूँ ये कन्वर्जिंग मिरर्स हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ लाइट को कन्वर्ज करते हैं, ओके okay? और ये कैसे हैं? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर्स आर डाइवर्जिंग वन बिकॉज दे डाइवर्जेस द इंसिडेंट रे, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, देर आर सम टर्म्स बिफोर स्टडिंग दीज मिरर्स वी शुड हैव नॉलेज ऑफ सर्टन टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर फिजिक्स चैप्टर। नंबर वन, डिफाइन पोल, डिफाइन पोल। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं बेटा जो आपको एग्जाम्स में MCQs वन वर्ड वन लाइन आंसर में पूछी जा सकती हैं। डिफाइन पोल क्या होता है? अब अगर मैं पोल की बात करूं तो ध्यान में रखो ये पोल कन्वेक्स और कनकेव मिरर दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए। निन्नी आ रही है तो मुंह धो के आ जाओ प्लीज, फ्रेश होके आ जाओ, क्योंकि एक एक वर्ड मेरा आपका आगे बेसिक्स हैं ये, जो जब आप रे डायग्राम्स बनाओगे या एग्जाम में स्ट्रेट वे इनकी डेफिनेशंस पूछी जाएंगी तो बगलें झांकोगे अगर अभी सो रहे हो तो। क्वेश्चन इज डिफाइन पोल, क्या होता है पोल? थोड़ा सा डायग्राम से समझ लो ये मैंने, अब आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, फटाफट लिखो, अभी लिखो ये कौन सा मिरर बनाया मैंने। बहुत इंटेलिजेंट हो, यस। दिस इज व्हाट पॉलिश बाहर किया है मैंने, कर्व्ड इनवर्ड्स है, तो ये आपका है कनकेव मिरर, राइट। इसमें मैंने ये डॉट बनाया है, क्या क्यों बनाया है बेटा? क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर्स हैं। क्या है? स्फेरिकल। मैं पूरा नहीं ले रही हूँ स्फेयर, पूरा स्फेयर नहीं ले रही हूँ। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, मैडम ऐसे ऐसे क्यों बनाए हुए हैं सारी बुक में, पूरा स्फेयर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हम जहाँ पे रिफ्लेक्शन को स्टडी कर रहे हैं, लाइट रे की रिफ्लेक्शन को स्टडी कर रहे हैं, वो तो एक छोटा सा पार्ट है, इसीलिए अपने कंफर्ट के लिए हम उतना हिस्सा लेकर चलते हैं। और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज़ नोन एज पोल, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल पी से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? आपकी NCERT में भी दे रखी है, बहुत अच्छी वाली। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर क्या है? ये इज अ पॉइंट नोन एज, बहुत बढ़िया सुनाई दे रही है आवाज मुझे, पोल। क्या कहते हैं इसको? पोल। डायग्राम भी बना दो पेपर में डेफिनेशन के साथ।
ठीक है, कोई भी मिरर बना सकते हो। मैंने तो यहाँ पे कनकेव बनाया, आप कन्वेक्स भी बना सकते हो और उसका पोल भी दिखा सकते हो। कंडीशन क्या है, वो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर पे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये भी आप लिख सकते हो इसमें अपनी डेफिनेशन को बढ़ाने के लिए पोल में, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर पी, राइट। नेक्स्ट वन, नाउ एक कंडीशन और है, पोल हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही होता है, ठीक है, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैं लिख नहीं रही हूँ, माइंड में रखो अपनी ये बात। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है बच्चे, जो दूसरी टर्म हमें याद रखनी है, बहुत सारी टर्म्स हैं, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। राइट डाउन द क्वेश्चन, डिफाइन, डरना नहीं है, सुन के बहुत ईजी है, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं फिर बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी यहाँ पे कि ये आपके कौन से, जैसे मान लो कि ये मैंने ड्रॉ किया है एक कनकेव मिरर, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए ज़रा इसको पूरे स्फेयर में कन्वर्ट करते हैं, चलो खूब मज़ा आएगा, बनाओ इसका स्फेयर। जिसने आलस किया ना उसके लिए साइंस नहीं बनी हुई, वो सो जाओ। ये जैसे मैंने आप डॉटेड से आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि ये एक स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेयर का जहाँ पे सेंटर होगा ना उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर क्रैम करने की कोशिश करोगे भूल जाओगे, समझो सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर्स का सेंटर होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। तो आप लिखो द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर डिनोटेड बाय कैपिटल सी, कैपिटल सी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रीजन अदर्शन में पूछी जा सकती है आपसे, वो पूछ सकता है ट्रू फॉल्स में कि क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट है। आंसर इज नो, आंसर इज नो, आपकी बुक में स्ट्रेट वे लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। क्यों भाई, सेंटर में है, कहाँ दिख रहा है, सेंटर में है, रिफ्लेक्शन कहाँ होनी है, सरफेस पे कहाँ होनी है। आप किसी मिरर के बीच में घुस सकते हो क्या, कभी भी नहीं। आपकी रिफ्लेक्शन होनी कहाँ पे, किसी भी हिस्से में होगी, स्फेयर के सरफेस पे ही होगी, कहाँ पे होगी, सरफेस पे, सेंटर में जा सकते हो, अर्थ के सेंटर में घुसो जरा, कहाँ रहोगे, जहाँ जहाँ अर्थ का जो स्फेयर है उसका जो सरफेस है वहाँ पर, ऐसे ही समझो, ऐसे ही समझो। इतनी इजी है साइंस, थोड़ी थोड़ी करके समझो, लेकिन समझो, क्रैम करोगे सारा इकट्ठा होता जाएगा, डस्टबिन पूरा भर जाएगा, एक टाइम आएगा कि क्रैम भी नहीं कर पाओगे, वो भी बाहर लटकता रहेगा कूड़े की तरह, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, लाइट फील करोगे, दिमाग हल्का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्वेचर के बाद जो टर्म हमने आपकी एनसीईआरटी की बुक में देखी वो क्या है कि एक चीज बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर की। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं बताना ज़रूरी समझूंगी, क्योंकि रे डायग्राम्स में ये फिर से आपको हेल्प करेगा। बेटा यहाँ पे एक लाइन लिख लो छोटी सी कि जो कनकेव मिरर होते हैं ना
उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? फ्रंट, फ्रंट में होता है उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? मिरर के फ्रंट में, ठीक है। और जो बेटा कन्वेक्स मिरर होते हैं ना, उनका जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये कहाँ होता है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये छोटी नहीं बात है, बहुत मोटी बात है, बहुत गहरी बात है। जब रे डायग्राम बनाएंगे तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कनकेव मिरर बना रहे हैं, ठीक है, चलो वो तो मैंने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो लिख देंगे लेकिन कन्वेक्स के केस में भी क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट बना देते हैं और सारा जो डाइवर्जिंग का खिस्सा है ना, सारा ख़त्म हो जाता है, वो उसको क्रॉस ही कर देते हैं, पॉलिश्ड सरफेस को। तो इट्स अ वेरी वेरी, आप देखो कितना फ़र्क पड़ता है। अगर फ्रंट में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कनकेव मिरर में इमेज भी आपकी फ्रंट में बनती है, इन्वर्टेड बनती है, फ्रंट में बनने के कारण रियल कहते हैं उसको। कन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर बनती है तो इमेज वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं इस बात से इन्फ्लुएंस होती हैं कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है कहाँ। कनकेव मिरर में देखिए, ये फ्रंट में होगा कनकेव मिरर के, और कन्वेक्स मिरर में मिरर के बिहाइंड। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, ये तो आपको अब तक की वीडियो देखकर पता चल गया होगा। नेक्स्ट वन, रेडियस की बात करेंगे। रेडियस ऑफ द स्फीयर, डिफाइन रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। रेडियस बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, जैसे ये आपका, अगेन एक एग्जांपल के साथ, डायग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं लाइट चैप्टर में, प्लीज़ नोट दैट। ये मैंने आपको पोल बताया, ये मैंने आपको सेंटर ऑफ द स्फीयर आइडिया से बना रही हूँ मैं, सी से डिनोट किया। जो बच्चे ये डिस्टेंस है ना पोल का सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये आपका रेडियस है, दिस इज़ नोन एज रेडियस। बिल्कुल थोड़ा आप मैथ्स में चले जाओ, वैसे ही है सेम, ठीक है। वहाँ सेंटर आप ओ से लिखते हो, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ है, वहाँ पे आप कहीं से भी करोगे उसको रेडियस बोलेंगे ना, यहाँ आप कहाँ से करोगे, पोल से करोगे। तो इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल आर से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो ऐसे ही डेफिनेशन बना दो इसकी, क्या बनाओगे डेफिनेशन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर क्या है, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर, यू मे नोट दैट द डिस्टेंस PC इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो सिंपल सी डेफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस। बहुत बढ़िया वाली डेफिनेशन। अब प्रिंसिपल एक्सिस का आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो गया आपका। डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस, डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपने डिफाइन करनी है, क्या बोलोगे आप प्रिंसिपल एक्सिस? आपकी बुक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले डायग्राम से समझोगे, पूरा स्फीयर, पूरा स्फीयर कंसिडर करो, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर पोल तक जाती है, लाइन लाइन, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल
एक्सिस दैट इज नोन एज. अब बेटा यहाँ पे एक और समझाने के लिए चीज़ बता देती हूँ आपको, जो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं ना मिरर्स में, वो भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हैं. अगर उसके ऊपर नहीं लिया तो इन्फिनिटी में ले लेते हैं, एक केस वो होता है. बाकी सारे कहाँ होते हैं? बियॉन्ड कर्वेचर, इन फ्रंट ऑफ पोल. और जो इमेज बनती हैं आपकी, 6 केसेस हैं कनकेव मिरर में, जो 5 केसेस हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस फ्रंट में बनते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनते हैं, इन्वर्टेड बनते हैं, रियल बनते हैं. या कन्वेक्स मिरर्स हैं उसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हम इमेज और ऑब्जेक्ट को लेते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस. अलाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. तो कुछ बच्चे ना ये पूछते हैं, मैम जी रेडियस भी तो वही होती है. रेडियस अब वो नहीं ना होती, रेडियस आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके रुक जाता है, लेकिन ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये थ्रू आउट पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक एंड बियॉन्ड. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, आई होप कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, नहीं तो वीडियो को पॉज देकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, हाथ मुंह धो लो, फिर बैठ जाओ. पार्ट्स में वीडियो दूंगी मैं आपको ये इन टर्म्स के बाद, आपकी सेकंड वीडियो में आगे एक्सप्लेनेशन होगी. ये आपका इंट्रोडक्शन कह लो चैप्टर का, या बेसिक टर्म्स कह लो, वो इस वीडियो में आपको प्रोवाइड होंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे हमारा, यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी बुक में, हाँ, उसमें पूछा हुआ है कि एक कनकेव मिरर को आपने होल्ड करना है, अपने हाथ में पकड़ना है, ठीक है, टुवर्ड्स उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कनकेव मिरर का, पॉलिश वाली साइड नहीं, कौन सा रिफ्लेक्टिव सरफेस आपने कहाँ करना है, डायरेक्ट करना है टुवर्ड्स द सन. नाउ डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर. सामने एक शीट ऑफ पेपर रख दो, हाँ, जहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा रही है कनकेव मिरर से. नाउ मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट अ ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट. पेपर को थोड़ा बहुत हिलाते रहो, आगे पीछे एडजस्ट करते रहो. कब तक एडजस्ट करना है? पेपर के ऊपर आपको एक ब्राइट कलर का शार्प स्पॉट लाइट का जब तक दिखाई ना दे. ये हमने बहुत किया है बचपन में, पता नहीं आजकल के टीचर्स भी नहीं करवाते और बच्चे भी नहीं करते. नाउ होल्ड द मिरर एंड द पेपर इन द सेम पोजिशन. जैसे ही आपको ब्राइट स्पॉट पेपर पे दिख गया, आपने अपना जो मिरर है उसको भी उस पोजिशन पर होल्ड कर लेना और पेपर को भी रोक देना फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आग लग जाएगी. क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है. ये सन रेस को एक पॉइंट पे जहाँ पे मिलती हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस. क्या बोलते हैं? फोकस. और इतना स्ट्रॉन्ग फोकस हो जाता है कन्वर्जिंग लाइंस का कि इतनी हीट वहाँ पे फोकस कर देता है ये लाइट रेज की, क्योंकि सन की रेज हैं तो उनमें हीट भी होगी. बल्ब के साथ करोगे ना, वेर नहीं लगेगी आग. सन की जो रेज है उनमें हीट भी है, तो वो उस फोकस पे जब इतनी रेज इंटेंस में एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस हो रही है, मीट कर रही है ये रेज रिफ्लेक्टेड, तो वहाँ पर क्या लग जाती है? इट कैचेस द फायर. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और फोकस को समझने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि क्या फोकस है प्रैक्टिकली. अब थ्योरेटिकली इसकी डेफिनेशन एग्जाम्स में आती है, तो लिखिए डिफाइन फोकस. के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीद रह जाएगी किसी भी तरह की कंफ्यूजन की. वो आपने वो कहावत सुनी है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. हैव यू लिसन अबाउट दैट? कछुआ धीरे धीरे चलता है ना, खरगोश
सो जाता है बेचारा रास्ते में, लेकिन अब आपने इतना भी कछुआ नहीं बनना है, नहीं तो बोर्ड पेपर्स आ जाएंगे। सेमेस्टर वाइज हैं इस बार, जल्दी थोड़ी सी रेस खरगोश की पकड़ो। ओके ओके, नेक्स्ट वन, डिफाइन। अब ना मैं यहाँ पे अलग अलग पढ़ाऊंगी आपको, फोकस कनकेव मिरर का अलग बताऊंगी और कन्वेक्स का अलग, ताकि आप रे डायग्राम्स में मुझे ना कहो मैडम कभी आगे चले जाते हो कभी पीछे चले जाते हो। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट में होता है कनकेव मिरर के और कन्वेक्स के बिहाइंड में होता है, तो क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनना है फोकस, है ना। डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग रेज को हम फोकस पे कैसे लाना है कन्वेक्स मिरर में, कनकेव में कन्वर्जिंग है तो कैसे फोकस पर आ जाती हैं इन फ्रंट। तो दोनों के फोकस में डिफरेंस है, एक फोकस फ्रंट में बन रहा है कनकेव मिरर में, एक फोकस जो है बिहाइंड द मिरर बन रहा है किसमें, कन्वेक्स में। ठीक है, तो पहले हम करते हैं डिफाइन फोकस ऑफ कनकेव मिरर। बस बेटा थोड़ा सा और, ये लास्ट ही है हमारा फोकस के बाद, थोड़ी सी पेशेंस और। डिफाइन फोकस ऑफ कनकेव मिरर, आंसर लिखिए। थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगी, समझा चुकी हूँ क्योंकि मैं व्हेन रिफ्लेक्टिंग रेज कन्वर्जेस एंड मीट ऑन अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकस ऑफ कनकेव मिरर। मैं ऐसे समझाती हूँ, डायग्राम बनाती हूँ। ये कनकेव मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है पोल से, ये आपका जो पैरेलल लाइट रे आ रही है इंसिडेंट रे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ जा रही है, ये वाला जो पॉइंट है इट इज़ नोन एज फोकस एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, राइट। सनरेज जब की थी तो सारी रेज इसी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी, तो इतना ज़्यादा इंटेंस हीट क्रिएट कर दिया कि पेपर को आग लग गई। ओके, नेक्स्ट वन डिफाइन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। जिस बच्चे ने ध्यान से फिजिक्स को पढ़ना है वो कुछ भी चीज़ को लाइटली नहीं ले सकता, बाकी आपकी मर्जी है। बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज़ भी हैं जो लास्ट में सैम्पल पेपर खोल के बैठ जाती हैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, अंदर वाली साइड पे बना रही हूँ, बाहर वाला ये मैंने कन्वेक्स मिरर लिया है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी बाहर वाली साइड पे, ठीक है। तो बच्चे देखो, मैंने पहले भी समझाया था, इसका पोल यहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, अब एक लाइट आ रही है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ देखिए डायग्राम की तरफ, क्योंकि जो आपकी इंसिडेंट रे है कन्वेक्स मिरर है तो कर्व्ड आउटवर्ड की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, समझ में आया। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक की, ये कन्वर्ज नहीं करेगी क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, ये डाइवर्ज करेगी, क्या करेगी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। डाइवर्ज जहाँ जिस पॉइंट से करेगी उसको हम एक्सटेंड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, और जहाँ पे ये मिलेगी, इसका कर्वेचर यहाँ नहीं होता, आई एम सॉरी, इस तरफ होता है, पहले भी समझाया था, बिहाइंड द मिरर होता है, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, समझ आ रहा है। ये कन्वेक्स मिरर है, अंदर वाला एरिया पॉलिश्ड है, यहाँ से लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, कन्वर्ज नहीं होगी, क्या होगी, डाइवर्ज होगी, बाहर वाली तरफ जाएगी। जिस पॉइंट पे डाइवर्ज होगी वहाँ पर हम ये डॉटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्योंकि इमेज आपकी कहाँ बननी है, बिहाइंड द मिरर, इन फ्रंट में नहीं, कनकेव में इन फ्रंट बनती थी, ऊपर देखो,
कन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर बन रही है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। ठीक है, इसीलिए बिहाइंड द मिरर जितनी इमेजेस इसकी बनती हैं, दो केसेस हैं कन्वेक्स के, एक इन्फिनिटी पे और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस पे, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन है थोड़ी सी कॉपी करूँगी आपकी एनसीईआरटी की, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपके टीचर्स और जो मेरे पढ़ाने में कुछ डिफरेंस क्रिएट ना हो, सिमिलैरिटी रहे। गूगल बाबा से प्लीज़ मत डेफिनेशन उठाया करो, ठीक है, वो बाबा किसी का सगा नहीं है, ना दादा ना नाना, ठीक है, फ्रॉड है एकदम। नॉलेज के बिना गूगल खोलना बिल्कुल यूजलेस है, महामूर्खों का काम है, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखो फटाफट से। कन्वेक्स मिरर की यस द रिफ्लेक्टेड रेज अपेयर टू कम, देखो मैंने डॉटेड बनाया ना, इसको क्या वर्ड यूज करेंगे, अपेयर, ऐसा लगता है, अपेयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, राइट। थोड़ा सा टाइम और लूँगी आपका, 2-3 मिनट बस, क्योंकि कुछ जो एक दो चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी फिर। हाँ जी बेटा, यहाँ लिख लो आप कि डिफाइन फोकल लेंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन फोकल लेंथ, ये तो आपको स्ट्रेट वे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। फोकल लेंथ को डिफाइन कीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, एंड द प्रिंसिपल फोकस, ये देखो मैंने यहाँ डायग्राम में बनाया ना, ये पोल है और ये प्रिंसिपल फोकस, यहाँ देखो ये पोल है आपका और ये क्या है, फोकस। इस ये जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज फोकल लेंथ, बेटा इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, राइट। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, डोंट मेक शॉर्टकट्स, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एफ, स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, एक न्यूमेरिकल आता है आपको बड़ा मज़ेदार वाला न्यूमेरिकल आता है, क्या आता है आपको दिया होता है कि नहीं अभी नहीं करवाऊंगी, अभी नहीं करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि फिर मैंने आपकी प्रैक्टिस भी करवानी है उसकी, उसके साथ लास्ट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन अपर्चर। अब ये एक कंट्रोवर्सी है आपकी एनसीईआरटी की बुक में और राइट आंसर में, कुछ लोगों का मानना है कि एनसीईआरटी में इसकी गलत डेफिनेशन दी है अपर्चर की, इसमें लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, लेकिन वास्तव में अपर्चर क्या होता है, द एरिया एट विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज अपर्चर। जितने एरिया में हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको हम अपर्चर बोलते हैं, जबकि आपकी बुक में लिखा है एनसीईआरटी में डायमीटर को बोलते हैं। अब किसके साथ जाना है,
आप और करके डालोगे, एनसीईआरटी की डेफिनेशन भी लिखोगे और करके लिखोगे, जो उसको उठानी होगी वो उठा लेगा। ठीक है, आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, इसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो और करके आप लिखोगे, जो डेफिनेशन उसको उठानी होगी उठा लेगा। ठीक है, राइट डाउन, डिफाइन अपर्चर, यस, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर और द एरिया ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज एपर्चर, राइट? सो स्फेरिकल मिरर हूज अपर्चर इज मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ। चलो चलते चलते पढ़ी लेते हैं रिलेशन, लिखो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। मैं यही एरो लगा के लिख रही हूँ, रेडियस इज इक्वल टू 2f। ओके, फॉर्मूला दे दिया मैंने। अगर हम फोकस का डबल लेते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुँचा देता है वो हमें। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का हाफ क्या हुआ? फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का हाफ क्या हुआ? फोकस। और जितनी फोकल लेंथ ली है उसको हम डबल कर दें तो हम क्या ले मिल जाता है हमें? रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपको एग्जाम में रेडियस दी होगी और फोकल लेंथ निकालने को आएगी तो रेडियस जितनी भी होगी उसको टू से क्या कर दोगे आप? डिवाइड। क्या कर दोगे? डिवाइड। और अगर आपको रेडियस दे रखी हो, फोकल लेंथ निकालनी हो, तो क्या, यहाँ देखो, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर आपकी रेडियस है, ठीक है, तो क्या करोगे आप? 2 × 5, 5 क्या होगा आपकी? फोकल लेंथ। 5 क्या होगी? फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ का डबल क्या होता है बेटा? रेडियस। क्या होता है? रेडियस। अगर मैंने 10 दिया तो मैं बोलूँगी बताओ भाई फोकल लेंथ कितनी है, 10 को 2 से डिवाइड कर दोगे, 5 निकाल दोगे। अगर मैं बोलूँगी 5 है बेटा फोकल लेंथ, तो क्या करोगे? एफ को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 × 10, तो रेडियस आ जाएगा। क्लियर? थैंक यू फॉर योर पेशेंस। Have a nice day. Wait for my next video. Till then, goodbye.